अनिल विश्वान एक बार फिर से शाम के 9 बजे की क्लास जो कि नॉर्मल लेविस और लिटरेचर की चलेगी। तो नॉर्मल लेविस की 2 दिन क्लास रहेगी हफ्ते में और 2 दिन लिटरेचर और 2 दिन लिटरेचर के एमसीक्यूज, ये 9 बजे का शेड्यूल रहेगा पूरे वीक। और फिर एक क्लास तो 6 बजे है जो पूरी तरह से ग्रामर को समर्पित रहेगी। तो 6 बजे ग्रामर और शाम की जो क्लास 9 बजे की, शाम 9 बजे की क्लास है वो नॉर्मल लेविस और लिटरेचर को समर्पित रहेगी। मेन कोर्स में आप जान रहे हैं कि द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में विलियम जे लॉन्ग की बुक को एक्सप्लेन कर रहा हूं और इसमें मैं नॉर्मल लेविस की बुक को पूरी तरह से तैयार करवा रहा हूं आपको। एक बार नॉर्मल लेविस की पूरी बुक में पढ़ा चुका हूं, ये 45वां सेशन है जो कल हुआ था लेकिन अधूरा छूट गया था, तो इसको मैं कंप्लीट इसमें पढ़ाऊंगा और ये पूरी क्लास बहुत बढ़िया होने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल सीट संभाल के बैठ जाइए। There are thousands of English words that end in the letter OUS, आप जानते हैं OUS, TIV, some और दूसरे बहुत सारे, एक, अल, ये सभी के सभी एडजेक्टिव बनाने के नाउन में, एडजेक्टिव बनाने के नाउन में लगाकर सफिक्स हम एडजेक्टिव बनाते हैं। तो और इसका मतलब होता है फुल ऑफ, OUS, us का मतलब होता है फुल ऑफ। The central theme about which the word in the chapter revolve is the idea of fullness. जो इस चैप्टर में हम जिन शब्दों की बात करेंगे उनका आइडिया फुल ऑफ के चारों तरफ घूमेगा, यानी कोई चीज किसी में फुल है, चाहे वो फुल ऑफ कंप्लायंस यानी एक्सेप्टेंस से फुल हो, चाहे वो सर्वेलिटी माने साइकोफेंसी यानी फ्लैटरिंग से फुल हो, चाहे वो फुल ऑफ कंप्लेंट्स यानी शिकायतों से फुल हो, ये सारी चीजें, सारे आइडियाज इस सेशन में डिस्कस किए जाएंगे। फुल ऑफ स्नॉबरी हो, चाहे वो हेट यानी घृणा से स्नॉबरी से फुल हो, चाहे फुल ऑफ नॉइज यानी शोर शराबे से फुल हो, चाहे फुल ऑफ मनी यानी पैसे से फुल हो, फुल ऑफ हॉर्समैनशिप चाहे घुड़सवारी में परफेक्ट हो, चाहे फुल ऑफ हो हार्मलेसनेस चाहे वो बिल्कुल निर्दोष और अबोधता से फुल हो, लिकर से फुल हो, डेथली से फुल हो, पैलोर से फुल हो, पीलापन हो शरीर में इतना पीला कि वो डेथली हो जाए, एंड फुल ऑफ सरोज और चाहे वो दुख से भरा हुआ हो, ये सारे वर्ड्स सारे आइडियाज इस सेशन में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। फॉर ईच ऑफ दीज आइडियाज इंग्लिश हैज अ वर्ड, इन सभी आइडियाज के लिए अंग्रेजी में एक पर्टिकुलर शब्द है। द पर्सन विद अ रिच वोकैबुलरी नोज द एग्जैक्ट वर्ड टू डिस्क्राइब समवन इज फुल, किस चीज से आप भरे हुए हैं, जो अंग्रेजी जानने वाला बंदा है वो पूरी तरह से जानता है कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, किस से आप भरे हुए हैं। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, बाद में लेंगे गुड इवनिंग, पहले सेशन कल वाला हम कंप्लीट कर लें, कल जितना पढ़ाया था 20-22 मिनट क्लास चल गई थी, लेकिन ये अधूरी रहेगी तो फिर बेकार हो जाएगी, तो इसको एक ही वीडियो में डालना पड़ेगा। कंप्लायंस की बात करें तो कंप्लायंस कहां से आया है, एक लैटिन रूट होता है जो ऑब्सिकियस हम पढ़ेंगे आगे, उसी को हम कंप्लायंस कहते हैं। तो लैटिन रूट है सीकर, SEQUOR, सीकर मींस टू फॉलो, जिसका मतलब होता है सीकर मतलब है किसी को पीछा करना, किसी का फॉलो करना, किसी के पद चिन्हों पर चलना। एंड दोज हु फॉलो रादर देन लीड, जो आगे चलने के बजाय पीछे चलते हैं, लीड करने के बजाय फॉलो करते हैं, यूजुअली इन अ मैनुअल अनस्किल्ड, वो पूरी तरह से मैनुअल होते हैं। मैनुअल का मतलब होता है अनस्किल्ड, जो किसी तरह की मजदूर किस्म के, मेरे जैसे लोग आदेश का पालन करते हैं, ठीक है ना, कोई खास हुनर नहीं होता उनमें, सबॉर्डिनेट्स होते हैं और इंफीरियर पोजीशन में वो चपरासी रखे जाएंगे या जूनियर रखे जाएंगे, सीनियर नहीं, सीनियर होगा तो लीड करेगा। पीपल हु एंगेज इन सर्टेन फील्ड्स ऑफ एंडेवर, जो इस तरह के प्रयासों में लोग एंगेज्ड रहते हैं, चाहे वो वेटर्स हो, चाहे वो क्लर्क्स हो, चाहे वो सर्वेंट्स हो, इन सभी के बारे में बात करेंगे, इन सभी के अंदर वो क्वालिटीज होती है। अब कोई सर्वेंट है, कोई क्लर्क है, कोई वेटर है, तो उसका वास्तव में क्या व्यवहार, किस तरह से वो वास्तविक व्यवहार उसका क्या है, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन वह जब आएगा काम करने के लिए आपके यहाँ सर्वेंट बन करके, जब वो लीड नहीं फॉलो करेगा तो आपके आदेशों को पालन करेगा और वह एक्सेसिबली कर्टियस हो जाएगा, पूरी तरह विनम्र हो जाएगा, प्लेजेंट बातें करेगा, मुस्कान रखेगा हमेशा चेहरे पे, ओबलाइजिंग होगा, थैंक यू बोलता घूमेगा, कृतज्ञता दिखाएगा, इवन
सब सर्वियंट हो जाएगा, यानी बहुत ही ड्यूटीफुल कर्तव्य परायण हो जाएगा। सब सर्वियंट बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड्स है बेटा, ये सब नोट कर लेना अपने पास। ड्यूटीफुल हो जाएगा एंड हम्बल हो जाएगा, विनम्र हो जाएगा, कर्टियस हो जाएगा, वो बोल्ड नहीं रह पाएगा क्योंकि वो फॉलो कर रहा है। तो ये सारी की सारी क्वालिटीज उसने जानबूझकर उसने लाया है क्योंकि वो उसका काम है। दे मस्ट फॉलो द लीड ऑफ देयर कस्टमर्स और एम्प्लॉयर्स। वो अपने कस्टमर्स और एम्प्लॉयर्स को खींचकर अपने इस व्यवहार के द्वारा लाता है, कंपनी की ग्रोथ को आगे बढ़ाने में मदद करता है। बेंडिंग देयर ओन विल्स अकॉर्डिंग टू द डिजायर ऑफ दोज हु सर्व, जिनकी वो सेवा करता है उनके अनुसार अपनी डिजायर को बेंड कर देगा, झुका देगा और उन्हीं के अकॉर्डिंगली व्यवहार करेगा, मैनर करेगा, इटिमोलॉजिकली सर्व करेगा। दे आर इटिमोलॉजिकली फुल ऑफ फॉलोइंग आफ्टर, और वो सारे लोग जो फॉलो करेंगे वो फॉलोइंग आफ्टर की क्वालिटी से भरे हुए होंगे और वो ऑब्सीक्वियस पर्संस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ऑब्सीक्वियस, ड्यूटीफुल। तो ऑब्सीक्वियस पर्सन की आइडिया इसके पीछे क्या है, किस तरह का विचार वाला व्यक्ति ऑब्सीक्वियस होगा, जो कंप्लायंस रखेगा, जो कंप्लायंट पर्सन होगा वो कैसा होगा, ये अभी आपको पता चल गया। अगर हम रिलेटेड वर्ड्स की बात करें, इस वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स की बात करें तो क्या करेंगे, ऑब्सीक्वियस वर्ड है, इसी से रिलेटेड ऑब्सीक्वियस, ओयूएस लगा है तो एडजेक्टिव बना ऑब्सीक्वियस। इन अ फनरल कॉर्टेज, फनरल अंतिम संस्कार के लिए, द मॉर्नर्स जो फॉलो करेंगे किसी डेड बॉडी को, कॉर्प्स को, लाश को, कॉर्प्स को जो फॉलो करेंगे तो वो फॉलोअर्स होंगे, वो ऑब्सीक्वियस होंगे क्योंकि वो पीछे पीछे चलेंगे, राम नाम सत्य पीछे पीछे जा रहे हैं, तो पीछे पीछे जा रहे हैं तो फॉलोअर्स हो गए, फॉलोअर्स हो गए तो ऑब्सीक्वियस हो गए, ठीक है ना, समझ रहे बात को। आर द बरियल सेरेमनीज द फनरल राइट्स, तो जितने भी फनरल राइट्स में हिस्सा लेने वाले लोग होंगे वो सब ऑब्सीक्वियस कहलाएंगे। ऑब्चरी शब्द यहीं से बना है। सब्सिक्वेंट, अब यहां भी सब्सिक्वेंट आया है, ये सिक्वेंट सिक्वा सिक्वा, तो सिक्वेंट सिक्वेंट का मतलब है सब्सिक्वेंट, फॉलो करे एक के बाद, जैसे सब्सिक्वेंट लेटर आया, एक पत्र मैंने भेजा, दूसरा लेटर पीसेस भेजा तो वो सब्सिक्वेंट लेटर हो गया, एक लेटर गया पहले और फिर उसके बाद फॉलो कर दिया, है ना, पैराग्राफ हमने सब्सिक्वेंट लिख दिया, एक पैराग्राफ पढ़ाया फिर सब्सिक्वेंट पैराग्राफ आ गया, उसके बाद जो फॉलो कर रहा है उसको सब्सिक्वेंट टाइम हो जाएगा। इट इज वन दैट फॉलोज अनदर, और ये सारी चीजें वो हैं जो एक के बाद दूसरी आती है, तो जब एक के बाद दूसरी आएगी तो वो सब्सिक्वेंट हो जाएगी। बात क्लियर हो रही है बेटा, समझ में आ रहा है सब कुछ? गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग बेटा, एक बार हम जरा नमस्ते बोल दे सबको। नेहा भैया, अवधेश भैया, रामू, आंचल, कविता, राम सुरेश बाबू, इंस्पायरेशनल पोएट्रा फ्लार प्रोटिया प्रोटी फ्लार इंस्पायरेशंस इंस्पायरेशनल पोर्टिया फ्लार, अब चश्मा ये भी बदलना पड़ेगा। कविता बेटा, सविता बेटा, रत्नेश और शीतल सब लोग आए हैं, और आए हैं अनुपमा है, इंद्रजीत है, भगवान अभी नहीं पता है कहां, भगवान आ जाओ क्लास में, भगवान कहां हो आ जाओ। अब सीक्वल की बात करेंगे, उसी से रिलेटेड वर्ड, तो जब एक के बाद दूसरा फॉलो करे, चाहे अ सीक्वल में भी लिटरेरी वर्क, कोई लिटरेरी वर्क हो सकता है, कोई नॉवेल लिखी इसके बाद सीक्वल आ गई, कोई मूवी आई उसके बाद सीक्वल आ गई, एज ए नॉवेल दैट फॉलोज अनदर, एक के बाद जो दूसरी आती है उसे हम सीक्वल कहते हैं। कंटेनिंग कंटिन्यूइंग द सेम सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट पर डीलिंग विद द सेम पीपल और विलेज, एक ही घटना और एक ही चीज से जो एक ही चीज पर रिलीज की गई हो। और इट मे बी एन अकरेंस, एक ऐसी घटना हो सकती है दैट ग्रोज आउट टू फॉलो अनदर, एक घटना हुई उसी के सब्सिक्वेंट दूसरी घटना हो गई, यानी सीक्वल बन गया उस घटना का, एक जैसी दो घटनाएं, एक ही तरह की दो घटनाएं हो गई तो सीक्वल हो गया। एज इन जस्ट वेट अंटिल सीक्वल टू द स्टोरी, इंतजार करो जरा दूसरा सीक्वल सुनना पड़ेगा, नहीं बाहुबली आई है फिर बाहुबली टू आएगी, महाबली आएगी, समझ गए, तो बाहुबली बाद महाबली, ये सीक्वल हो गया सीक्वेंस। अब एक के बाद दूसरा फॉलो करता है सीक्वल और फिर सीक्वेंस अगला वर्ड बन गया उससे, इन ऑर्डर क्रम में जो सीक्वल में आ गया, एक के बाद दूसरा फॉलो कर रहा, ये सीक्वल बन गया, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, ये सीक्वल बन गया। वन आइटम फॉलोइंग अनदर, एक के बाद दूसरी आ गया, एज इन द सीक्वेंस of events of the next few days left him breathless. Clear है sentence बिल्कुल? Any other word containing the root sequa, जो भी word sequa
रखेंगे, सीख रखेंगे, इज लाइकली टू हैव सम रिलेशनशिप टू द आइडिया ऑफ फॉलोइंग। इन सभी के पीछे आइडिया जो होगा वो फॉलोइंग का होगा, पीछे आने का होगा। तो सीख को पहला वर्ड बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो गया, हम दिखा दो हमको अगर ये क्लियर हो गया है तो ठीक है। अब कंप्लायंस था, ये कंप्लेंट्स है। अब क्या कर रहा है ये लैटिन रूट क्वेरर, क्वेरर का मतलब क्वारल से निकलता है, क्वेरर जिसका मतलब है कंप्लेंट, शिकायत जिसको होगी वही तो झगड़ा करेगा, मुझे तुमसे शिकायत है तो मैं झगड़ा करूंगा तुमसे। कंप्लेन एंड एनीवन फुल ऑफ कंप्लेंट्स, जिस भी व्यक्ति के अंदर बहुत सारी शिकायतें होती है, कॉन्स्टेंटली नैगिंग करता है, वो बहुत ही हार्पिंग पर्सन होता है, टकर 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 बोलता जाएगा ये सब गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, लगातार वो कंप्लेन करता रहेगा, बोलता रहेगा, फ्रेटफुल होगा, इरिटेटिंग उसका व्यवहार होगा, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाने वाला होगा। पर ये पेटुलेंट होगा, पेटुलेंट का मतलब कंप्लेनिंग, पेटुलेंट, इरिटेटिंग, फ्रेटफुल, हार्पिंग और नैगिंग, ये एक ही आइडिया के पीछे आने वाले वर्ड्स हैं। कौन कौन है? नैगिंग, हार्पिंग, फ्रेटफुल है ना, पेटुलेंट और विनिंग, चीख पुकार मचा रहा है, बहुत तेज से चीख रहा है, ये क्या कर दिया तुमने, मतलब सारी आइडिया एक ही है सबके पीछे, कंप्लेन का ही आइडिया है। जितने भी हाई पिच्ड क्राई को विनिंग कहते हैं, विनिंग कर रही है कोई व्यक्ति, विनिंग कर रहा, चीख पुकार रहा, पेटुलेंट है या फ्रेटफुल है या हार्पिंग है या नैगिंग है, इन सभी के पीछे आइडिया एक ही है कंप्लेन का। बात क्लियर हो गई? बढ़िया। तो नेवर वो पर्सन कभी सेटिस्फाई नहीं रहता, मे अकॉर्डिंगली बी कॉल्ड क्वेरलस, और ऐसे ही व्यक्ति को अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कंप्लेंट्स वाला व्यक्ति, यानी क्वेरलस पर्सन। अब हम आगे बढ़ेंगे, स्नॉबरी, स्नॉब पर्सन जो होता है वो सुपरसिलियस होता है, जिसके अंदर स्नॉबरी, हेट, हेट भरी है, घृणा भरी है, बिल्कुल एकदम सुपरसिलियस पर्सन है। कैसा? लैटिन रूट सिलियम यहां पर आया, सिलियम का मतलब होता है आईलिड, जो ऊपर से दिखे, बाहर ही रहती है आईलिड हमारी पलकें। सुपर का मतलब है अबव, ऊपर की आईलिड है ना, यही बना सिलियस का मतलब अबव, तो सुपर सिलियस, ये दो वर्ड बन गए। तो आईलिड ऊपर की, ऊपर की आईलिड, यही तो बना, एंड अबव द आईलिड, इसका मतलब निकला अबव द आईलिड। एज एनीवन कैन प्लेनली सी, जैसे कोई भी व्यक्ति आपकी उस आंख को जो पलक ऊपर बंद करने पर भी दिखती है वो देख सके, ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है। एज एनीवन कैन प्लेनली सी इज द आईब्रो, जो कोई भी देख सकता है वो है आईब्रो आपकी। नाउ देयर आर सर्टेन ऑब्नॉक्सियस पीपल, कुछ लोग बड़े ही घृणित लोग होते हैं, हु गो अराउंड रेजिंग देयर आईब्रोज ऑन कंटेम्प्ट, क्या बनाया तुमने, ये क्या बनाया, ये तो बिल्कुल बेकार है, तुमने कुछ नहीं याद किया, तुम तैयारी नहीं करते, तुम अच्छे, मतलब बिल्कुल एकदम कंप्लेनिंग पर्सन है, स्नॉबरी और सुपरसिलियसनेस से भरा हुआ। कंटेंट, डिसडेन, घृणा है उसके अंदर, स्नॉबरीनेस है उसके अंदर, एंड स्नीयर कर रहा है, बराबर नाक सिकोड़ रहा है, एरोगेंस है उसके अंदर, एट ऑर्डिनरी मॉडल्स की तरह, साधारण व्यक्ति जैसे हम लोग होते हैं, लाइक यू एंड मी, जैसे आप और मैं, हमारे और आपके लिए वो एकदम भौंहें सिकोड़े घूमता रहेगा हमेशा। सच contemptuous, घृणित, जो अंदर से बहुत ही घृणा रखता हो, sneering, बहुत ही ज्यादा नुक्ताचीनी करने वाला, और overbearingly conceited, बहुत ज्यादा हठी पर्सन, बहुत ज्यादा हठी पर्सन, हिंदी में कहें तो हठी पर्सन है ना, पीपल आर कॉल्ड सुपरसिलियस, और ऐसे ही कंप्लेनिंग सुपरसिलियस पर्सन कहलाते हैं, जो बाहर से ही एकदम कंटेम्प्टुअस दिख जाते हैं। तो जो कंटेम्प्टुअस है, जो स्नियरिंग पीपल है, जो ओवर बियरिंगली कंसीटेड पर्सन है, वो सभी सुपरसिलियस है, और सभी वो स्नोबरी पर्सन कहलाएंगे, स्नोबर कहलाएंगे। सब बढ़िया, समझ में आ रहा बाबू? बहुत अच्छे। अच्छा, अब नॉइज की बात करेंगे। ये नॉइज का मतलब है ऑब्स्टिपेरस। देखिए, यही सब जब आपको पढ़ाता हूं मैं, जब प्रैक्टिस करवाता हूं, तो सब यही तो सारे वर्ड आते हैं बेटा, तो वही तो है, ये नॉइज से भरा हुआ, यानी ऑब्स्टिपेरस, जिसको डिन कहते हैं, DIN, डिन, और पैंडेमोनियम जो आपकी राजधानी थी सैतान की। द लैटिन रूट स्ट्रेपो, स्ट्रेपो ये वर्ड है, स्ट्रेपो लैटिन रूट है, लैटिन से ही आए अंग्रेजी के सब ज्यादातर, मीन्स टू मेक अ नॉइज, जिसका स्ट्रेपो का मतलब है शोर मचाना,
एनी वन हु इज अनरूली, एक ऐसा व्यक्ति जो इलीगल काम करता है, रूल नहीं मानता, अनरूली पर्सन है, बॉयस्टरस है, शोर शराबा बहुत करता है, एकदम सब सब उथल पुथल मचा देता है, रेजिस्टेंट पर्सन है, जो प्रतिरोध करता है हर चीज का, अथॉरिटी जितनी भी होंगी उनके लिए, अनमैनेजेबल पर्सन होगा, उसको मैनेज करना बड़ा कठिन होगा, एंड इन अ नॉइजी ट्रबलसम मैनर इज क्या ऑब्स्ट्रीपेस, ऑब्स्ट्रीपेस, ट्रीपेस, ऑब्स्ट्रीपेस पर्सन कहलाएगा, जो होगा अनरूली, जो होगा बॉयस्टरस, जो रेजिस्टेंट टू अथॉरिटी होगा, जो अनमैनेजेबल होगा, और जो ट्रबलसम होगा वो पर्सन ऑब्स्टिपरस होगा, जो रिलेटेड है नॉइज से, शोर से रिलेटेड है। शेयर मारो एक बार क्लास को और लाइक भी कर दो जो लोग लगे देख रहे हो। मनीलेस पैसा नहीं है, पापर हो गया वो, इम्पेकुनियस पर्सन हो गया वो, पापर हो गया, पापर का मतलब है दरिद्र हो गया, पेनोरी आ गई उसके अंदर, वो पुअर हो गया बहुत ज्यादा, तो मनीलेस हो गया, कैसे, इम्पेकुनियस है ये जो मनी से लेस है। आप जरा देखें कैसे, द लैटिन रूट पेकस, बहुत बढ़िया से याद रखिएगा बेटा, ये सब तैयार करवा दूंगा मैं, पेकस का मतलब होता है जानवर, झुंड, कैटल। अच्छा, कैटल प्राचीन समय में जितने जिसके पास कैटल होते थे वो उतना ही धनी माना जाता था, कैटल लेस है इसका मतलब वो पापर है, वो मनी लेस है, वो पुअर पर्सन है। हम जानते हैं प्राचीन काल में जितनी गायें जिसके पास होती थी वो उतना ही बड़ा सेठ होता था, क्योंकि गायों से दूध मिलता है, गायों से मीट मिलता है, अब तो मीट खाते हैं लोग, पहले गाय का मीट नहीं खाते थे, गाय से दूध लेते थे, दूध से भाड़ी बनती थी, ताकत आती थी और लोग दूध पीते और खाते थे और उनको पालते थे, बैलों से खेती करते थे, तो धन असली जो था वो कैटल ही थे। उसी आइडिया को लेकर के यहाँ ये पेकस से बनाए गए हैं, मनी से रिलेटेड, पेकस मतलब कैटल, कैटल मतलब धन। And at one time in human history, a person's wealth was measured not by stocks and bonds. आपके पास stocks और bonds और money कितना है, पैसा कितना है, इससे नहीं मतलब होता था one time in history, but by stocks of domestic animal, घरेलू जानवर जितने आपके पास होते थे उतना ही ज्यादा आपको धनी माना जाता था, by stocks of the domestic animals, which was a lot more logical, जो कि एक logical बात भी थी। कैसे, since you get milk एंड लेदर, चमड़ा भी मिलता है आपको, मिल्क भी मिलता है, एंड मीट एज वेल फ्रॉम कैटल, ट्रू वेल्थ एंड यू विल गेट ऑल यू ऑल एंड ऑल यू गेट फ्रॉम स्टॉक मार्केट इज अ हेडेक। स्टॉक मार्केट से क्या मिलता, पैसा तो लगता है तुम बहुत है, लेकिन हेडेक के अलावा कुछ नहीं मिलती। लेकिन गाय से क्या मिलता है, कैटल से क्या मिलता है, लेदर मिलता है, मिल्क मिलता है, मीट मिलता है, है ना, और इसीलिए वह मनी की तरह समझी जाती है। अब आगे और इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, Someone who had lots of pecus, जिसके पास बहुत सारे pecus हैं, pecus का मतलब क्या होगा, जानवर, then was rich, इसीलिए वो धनवान है, Someone without pecus was indigent, indigent, जो बिल्कुल pecus के हीन है, pecus नहीं है जिसके पास, without pecus तो वो indigent हो गया, destitute हो गया, broke हो गया, टूटा हुआ पर्सन, पतित पर्सन, गरीब पर्सन, बिल्कुल बेकार, इंडिजेंट, डिस्टिट्यूट, तो ये पेकस लेस पर्संस हो गए, जो इंडिजेंट, डिस्टिट्यूट, ब्रोक पर्सन होंगे। एंड सो टुडे वी कॉल समवन हु इज हैबिचुअली विदाउट फंड्स, जिसके पास पैसा बिल्कुल नहीं होता है, Who seems generally to be full of complete lack of money, जो पूरी तरह से मनी से लेस होता है, उसे हम इम्पेकुनियस पर्सन कहते हैं। पेकुनिया, पेकस, पेकस से बना हमारा जानवर और इम्प से बन गया, अपोजिट बिना जानवर का, और एस ओ यू एस लगाकर वो फुल हो गया, तो फुल बिना जानवर का हो गया वो, तो बिना जानवर का हो गया यानी गरीब हो गया, तो इम्पेकुनियस का मतलब हो गया गरीब पर्सन। दिस वर्ड इज नॉट अ सिनोनिमस, is not a synonym of indigent, ये indigent का synonym नहीं है, उसका opposite है, क्योंकि indigent का मतलब गरीब हो गया, destitute
पावर्टी स्ट्राइकन, ये इंडिजेंट डिस्टिट्यूट और पावर्टी स्ट्राइकन का सिनोनिम नहीं है, ये कह रहे हैं हमारे नॉर्मन लेविस साहब। इट डज नॉट नेसेसरली इंप्ली लिविंग, ये पूरी तरह से नहीं लागू होता लिविंग इन रिड्यूस्ड सर्कमस्टांसेस, आपके प्रिविलेजेस बिल्कुल कम हो, आपकी सर्कमस्टांसेस बहुत रिड्यूस हो और वांट आप में बहुत हो, बट क्वाइट सिंपली बीइंग सॉर्ट ऑफ कैश एक्चुअली, आप जनरली आपके पास कैश नहीं है, इस बात की तरफ इंपेक्यूसनेस इंपेक्यूनियस जो है वो सीधा इशारा करता है। आगे इससे रिलेटेड वर्ड हम कहें तो पेकुनियरी, अब इंपेकुनियरी का अपोजिट हो गया पेकुनियरी, पर्टेनिंग टू मनी, पेकुनियरी का मतलब है रिलेटेड टू मनी यानी पर्टेनिंग टू मनी, एज इन पेकुनियरी कंसिडरेशन पेकुनियरी अफेयर्स, जैसे हम कहें पेकुनियरी कंसिडरेशंस यानी धन से संबंधित कंसिडरेशंस और पेकुनियरी अफेयर्स और धन से धन के मामले, तो धन के मामलों को हम पेकुनियरी अफेयर्स कहते हैं। क्लियर हो रहा है, कहीं दिक्कत तो नहीं है, सब दिख रहा है, सब बढ़िया से समझ में आ रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, ठीक है, तो हम बढ़ते रहे आगे, सब ओके है बिल्कुल बेटा, सब कुछ ओके है, मैं चलता रहूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, फंसा वसा तो नहीं है कहीं वीडियो ड्यू। अब हम बात करेंगे हॉर्सेस की, घोड़ों की, इससे बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड्स निकलेंगे। द फ्रेंच वर्ड शेवल, शेवल SHCHEVAL, शेवल मीन्स हॉर्स, शेवल का मतलब हॉर्स होता है, आगे हम इसी को रिलेटेड करके बहुत सारे वर्ड दिमाग में आ रहे होंगे शेवल से। And in medieval times only gentlemen and knights rode on horses. केवल बड़े बड़ौवा लोग जो होते थे उनके पास घोड़ा होता था और किसी पास घोड़ा नहीं होता, कॉमन पीपल का घोड़ा नहीं होता था, कॉमन पीपल वॉक्ड, और हमारे जैसे लोग जो कॉमन होते थे वो पैदल चला करते थे। ट्रेडिशनली बट नॉट आई अंडरस्टैंड एक्चुअली, ये परंपरागत रूप से बात ऐसी थी, वास्तव में मैं नहीं समझ सकता कि उस समय क्या हो रहा हुआ करता था। नाइट्स वर कर्टियस टू वुमेन, और जो योद्धा लोग होते थे जो घोड़ा पर चलते थे वो महिलाओं के लिए बड़े ही कर्टियस होते थे, बड़े ही विनम्र होते थे, बहुत ही विनम्रता पूर्वक उनसे बात करते थे। अटेंटिव टू फीमेल डिजायर्स, और महिलाओं की इच्छा की बड़ी कद्र करते थे, ध्यान रखते थे। सेल्फ सैक्रिफाइसिंग होते थे, व्हेन देयर ओन इंटरेस्ट केम टू कॉन्फ्लिक्ट इन कॉन्फ्लिक्ट विद दोज ऑफ फेयर सेक्स, जब फेयर सेक्स की बात आती थी तो अपने सैक्रिफाइसेस के लिए वो बड़े इंटरेस्टेड दिखते थे, ऐसा वो बता रहे हैं। हेंस वी कॉल मॉडर्न मैन हुम हैज नाइटली एटीट्यूड टू वुमेन, जो व्यक्ति महिलाओं के लिए नाइटली एटीट्यूड रखता है, बहुत ही शानदार एटीट्यूड रखता है, उनकी इच्छाओं का ख्याल रखने वाला, उनका लाड उठाने वाला, उनका ध्यान रखने वाला होता है, उसे हम सिवलरस पर्सन कहते हैं, विनम्र पर्सन कहते हैं, कर्टियस पर्सन कहते हैं, जो हम्बल, बहुत ही हम्बल होता है और महिलाओं के प्रति बड़ा ही उदार होता है, तो उस उदारता की वजह से उसे हम सिवलरस कहेंगे, यानी कर्टियस हो गया इसका मतलब। अब अगर रिलेटेड वर्ड्स की बात करें इससे इसके साथ, तो शेवल का मतलब हॉर्स हो गया, कम्स फ्रॉम लैटिन कैबलस, ये कैबलस वर्ड से आया है। इन एन इंफीरियर हॉर्स, जिसका मतलब है घटिया घोड़ा। कैलबस इज फाउंड इन इंग्लिश वर्ड इन द स्पेलिंग कैवल, और कैवल में ये इंग्लिश वर्ड के स्पेलिंग में पाया जाता है। अब आगे हम बात करेंगे कैवलकेड, अब कैवलकेड का मतलब क्या हो गया, अ प्रोसेशन ऑफ पर्संस ऑन हॉर्सबैक, घोड़े पर जो लोग जा रहे हो और एक जुलूस निकाल रहे हो तो उसे हम कैवलकेड कहेंगे, जैसे परेड वगैरह में घोड़ों पर जुलूस निकाला जाता है, तो परेड के साथ घोड़े की मार्च करते हुए जो लोग निकले उस लोग के ग्रुप को हम कैवलकेड कहेंगे, इसी आधार पर शेवल के आधार पर, जिसका मतलब हॉर्स यानी घोड़ा होता है। नया वर्ड जितना मिलता जाए, कॉपी किताब लेके बैठो बेटा, उनको सब नोट करते चलो आगे। अब कैवलियर, कैवलियर और कैवलरी बहुत बार आपके सामने आया, ये सब वो याद करा, अब देखो आ रूट क्लियर हो जाएगी इसकी। कैवलियर एज अ नाउन, अ कैवलियर वाज वंस अ माउंटेड सोल्जर, एक बार मतलब वंस का मतलब एक बार क्या, अभी भी कैवलियर का मतलब है घोड़े पर सवार सैनिक, एज जब सैनिक वाला टाइम था तब की बात कर रहा है। एन एडजेक्टिव, एज एन
एडजेक्टिव कैवलियर डिस्क्राइब्स एक्शंस एंड एटीट्यूड्स दैट आर हॉटी। अब कैवलियर का मतलब घोड़ा, घोड़े का मतलब सैनिक, और सैनिक का मतलब गर्म दिमाग, गुस्से वाला दिमाग, एकदम घुटने में अकल जिसकी हो, एकदम लड़ने को तैयार वाला। तो ऐसा एटीट्यूड और ऐसे एक्शन वाले पर्सन को जो हॉटी हो, जो अनमाइंडफुल हो, दिमाग से काम ही न करे, पैदल हो दूसरों के लिए, फीलिंग टू हॉफ हैंड और बिल्कुल उखड़ा हुआ रहे हमेशा, काट खाने को, मार खाने को दौड़ा तैयार हो, सच एट्रीब्यूट्स ऑफन बीइंग एसोसिएटेड विद पीपल इन पावर। और ऐसे एटीट्यूड उन लोगों के पास होते हैं, वो लोग इससे रिलेटेड होते हैं जो पावर में होते हैं। द मिलिट्री में बीइंग वन ऑफ द पावर पावर्स दैट बी, और मिलिट्री भी एक प्रकार की ऐसी एंटिटी है, ऐसी चीज है, ऐसा ग्रुप है जिसको हम कहते हैं कि उसके पास पावर रहती है, ताकत रहती है, क्योंकि उनके पास हथियार होता है और वो एक यूनिटी में रहते हैं। दस इसीलिए ही आंसर्ड इन अ कैवलियर मैनर। तो उसने क्या बहुत ही हाँ क्या चाहिए तुमको मतलब बोलो अपना, ऐसे मैंने बोल दिया, इसका मतलब वो कैवलियर मैनर हो गया उसका, बहुत ही हॉटी, बहुत ही अनमाइंडफुल और बहुत ही ऑफ हैंड टाइप पर्सन को हम कैवलियर पर्सन कहेंगे, और एडजेक्टिव की तरह हम कैवलियर मैनर का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? बढ़िया। वुड सिग्निफाई दैट ही वॉज एरोगेंट, और यह इस बात को जब हम कहेंगे किसी को कैवलियर कैवलियर मैनर में वो बात कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत ही एरोगेंट मैनर में काम कर रहा है, इन हिज आंसर में अपना उत्तर जो दे रहा है, एज इफ द क्वेश्चनर वर टॉकिंग अ लिटिल टू मच प्रिविलेज विद हिम। ठीक है ना, जैसे हाँ ठीक है ठीक है। और आफ्टर द कैवलियर ट्रीटमेंट आई रिसीव्ड एंड विश्ड टू रिटर्न सिग्निफाई दैट आई वाज प्रीटी मच मेड टू फील अनइंपॉर्टेंट एंड इनफीरियर। अगर मैं कहूं किसी से कि मैं वहां से वापस क्यों आ गया, क्योंकि मुझे कैवलियर ट्रीटमेंट मिला, इसका मतलब मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और ना ही मुझे इंपॉर्टेंस दी गई, मुझे अनइंपॉर्टेंट पर्सन की तरह वहां से खेद दिया गया, जाओ भैया तुम यहाँ क्यों आया हो, क्या चाहिए, हाँ बोलो, आए बरात में कैवलियर। हाँ अच्छा, तो कैवलियर नाउन भी है और कैवलियर एडजेक्टिव भी है। अच्छा, अब आफ्टर हर कैवलियर रिफ्यूजल, अब जैसे एग्जांपल देखो, आफ्टर हर कैवलियर रिफ्यूजल आई विल नेवर इनवाइट हर टू अनदर पार्टी। उसका कैवलियर व्यवहार देख करके मैंने उसको दोबारा कभी पार्टी में बुलाया नहीं, उसकी वजह से दो चार गेस्ट हमारे निकल गए, ठीक है ना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दैट सिग्निफाइज दैट द रिफ्यूजल वॉज परहैप्स कर्ट ऑफ हैंड विदाउट एनी अटेम्प्ट एट अपॉलजी और कर्टसी। कर्टसी अपॉलजी नाम की चीज उसके अंदर नहीं थी और वो बहुत ही ज्यादा कर्ट और ऑफ हैंड पर्सन का व्यवहार कर रहा था, इसलिए उसको दोबारा पार्टी में कभी नहीं बुलाया। अच्छा, इससे रिलेटेड वर्ड की बात करें हम, तो कैवलरी, कैवलरी, कैवलरी नहीं है ये, कैवलरी, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत तो स्पेलिंग गलत, कैवलरी। तो कैवलरी है ये द माउंटेड और हॉर्स्ड पार्ट ऑफ एन आर्मी, ठीक है, और ये प्लूरल नाउन होता है, अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, ये भी आप जानते हो। सिविलरी या चिवलरी की बात करें हम, तो चिवलरी एक नाउन है जो चिवलरियस, चिवलरस, चिवलरस या चिवलरस, चिवलरस भी कहेंगे इसको, चिवलरस भी, हम हिंदुस्तानी तो चिवलरस भी कह लेते हैं, वैसे वास्तव में चिवलरस है। सो चिवलरस का मतलब है बहुत ही ज्यादा शौर्य से भरा हुआ, घोड़े जैसा तन के चलने वाला, बहुत ही शौर्य दिखाने वाला। कैन यू राइट द अल्टरनेट नाउन फ्रॉम एंडिंग इन NESS, क्या आप कैवलरियस से NESS तक एंड होने वाला नाउन लिख सकते हो, वहां लिख के बताओ, थोड़ा सा तो काम करो, यहां मैं नहीं लिखूंगा, आप वहां लिख के बताओ। चिवलरिक, अब ये एडजेक्टिव बन गया चिवलरी से, चिवलरिक। लेस कॉमनली यूज्ड एडजेक्टिव आइडेंटिकल इन मीनिंग टू चिवलरस, ये चिवलरस जैसा ही मीनिंग है चिवलरिक जो वर्ड है, लेकिन अब ये कम यूज किया जाता है। अनदर लैटिन रूट फॉर हॉर्स एज यू नो इक्विस, इक्वाइन, ये पढ़ चुके थे आप कहां, लेसन नंबर पीछे 15 या 14 या 15 लेसन में, फाउंड इन वर्ड्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जिसको मैं हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये बात वो कह रहे हैं। जैसे इसके साथ वर्ड कौन से पड़े थे, इक्विस्ट्रियन है ना, घोड़े से रिलेटेड,
हॉर्समैन जिसका मतलब है इक्विस्ट्रियनी, ये नाउन बन गया, और हॉर्स वुमैन बन गया, ट्रिनी जैसे लगा, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है, ये मैन है और ये वुमैन है, इक्विस्ट्रिनी, टी आर आई ई एन एन ई, इक्विस्ट्रिनी, और इक्वाइन हॉर्स लाइक, ये एडजेक्टिव बन गया। तो ये दोनों नाउन है और ये एक एडजेक्टिव है। कैवलियरनेस, सिविलियरनेस, अरे सिविलरी से बनाना है, इससे बनाना है, सिविलरी से, तो सिविलरियस बना, सिविलरस तो सिविलरस, और सिविलरी तो सिविलरस से, एडजेक्टिव से बनेगा एनएस लगा करके, नाउन बनाओगे ना तो सिविलरी से थोड़ी, सिविलरस से बनाओगे, एडजेक्टिव से एस लगा करके, तो सिविलरसनेस बनेगा वो। अब हम बात करेंगे सात नंबर वर्ड आज का, जिसका मतलब है नो हार्म डन, नुकसान नहीं पहुंचाएगी आपको कोई ये चीज। तो लैटिन रूट नोसियो, जो लैटिन रूट है जो नो हार्म डन का आइडिया देता है, वो रूट वर्ड बना है किससे, नोसियो से, NOCEO, और इसका मतलब है इंजर करना, नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना। समवन हु नीड कॉज यू नो फियर, एक ऐसा व्यक्ति जो कारण बने आपके लिए किसी भी डर का नहीं। So harmless, इतना बिल्कुल सीधा साधा कहूं, is that person so unable to interfere, so unlikely to get you into trouble, called innocuous, और इसीलिए हम नोक्सियो से वर्ड लेंगे innocuous, जिसका मतलब है he has done no harm to you, उसने आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। innocent इसका अगला वर्ड बनेगा इनोसेंट, ये भी एक एडजेक्टिव है, नॉट गिल्टी, अबोध, मासूम, बिल्कुल मासूम हो, जिसकी कोई गलती ना हो। अब रिलेटेड वर्ड की हम बात करेंगे आठ नंबर में, तो अल्कोहलिक वर्ड एक नया मिला है, द लैटिन बिबो से बना है, जो आठ नंबर का वर्ड क्या है, बिबो से बना हुआ, अल्कोहलिक, अल्कोहलिक वर्ड है बिबो से बना हुआ, और कैसे ये रिलेटेड है ये बताऊंगा आगे। मीन्स टू ड्रिंक, तो बिबो का मतलब होता है ड्रिंक करना, पीना। एंड वन हु इज जनरली फाउंड विद वन फुट अप ऑन द ब्रास रेल, हु लाइक्स टू टिपल बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सोबरिटी, सोबर, सोबर पर्सन से सोबरिटी बना नाउन, हु इज इन शॉर्ट has an over fondness for drinks with a pronounced alcoholic content, जिसको दारू कहते हैं आप, उसका बहुत ज्यादा habitual हो जाए, is called usually humorously, मजाक उड़ाते हुए उसको हम कह सकते हैं bibulous person, bibulous person, तो bibulous person का मतलब हो गया जो नुकसान पहुंचाए, जो दारू आपको नुकसान पहुंचाती है, उसी तरह bibulous person जो होगा वो बिबो से बना है ड्रिंक, जिसका मतलब है पीना, स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है, और इसीलिए बिबुलस का मतलब हार्मफुल हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा, अनहोलसम हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? यस, बिल्कुल क्लियर हो गई। अब हम आगे रिलेटेड वर्ड से बनेंगे। बिबो से ही बना है बाइब, और बाइब का उल्टा बना इम्बाइब, इम्बाइब टू ड्रिंक इन सोक अप अब्सॉर्ब, इम्बाइब का मतलब है पूरी तरह से सोख लेना, तर बतर हो जाना, अपने अंदर आत्मसात कर लेना। इफ वी यूज दिस वर्ब विदाउट स्पेसिफाइंग व्हाट इज ड्रंक एज इन ही लाइक्स टू इम्बाइब, अगर हम सीधे सीधे इम्बाइब का यूज करें और ड्रंक का, ड्रिंक क्या किया, पानी, दारू या कुछ स्पेसिफिकली दूध वहां नहीं बताया, और हमने ऐसे लिख दिया ही लाइक्स टू इम्बाइब, द इम्प्लीकेशन ऑफ कोर्स इज ऑलवेज लिकर, तो यहाँ पूरी तरह से लिकर लिखने के ना लिखने के बावजूद इसका मतलब हो जाएगा लिकर, यानी शराब पीना। तो इम्बाइब में शराब पहले से ही मिला है, क्योंकि बिबो का मतलब ड्रिंक होता है, और ड्रिंक को जब हम यूज अकेला करते हैं कि ड्रिंक लिया है, तो ड्रिंक का ने मतलब पीना होता है, लेकिन जब हम अकेले ड्रिंक की बात करते हैं तो लोग बिना बताए समझ जाते हैं ये ड्रिंक किया हुआ है ना। बट इम्बाइब में आल्सो बी यूज्ड इन पार्टनर्स लाइक इम्बाइब लर्निंग और इन अर्ली इन्फेंसी सी इम्बाइब्ड अ रिस्पेक्ट फॉर हर पेरेंट्स, इम्बाइब का मतलब अपने अंदर सोक अप करना, अब्सॉर्ब करना, ड्रिंक इन करना, अंदर अपने उड़ेल लेना, सॉलो करना कोई चीज को। तो जब हम इम्बाइब लर्निंग कहते हैं, इसका मतलब हमने लर्निंग को पूरी तरह से आत्मसात कर लिया है, हमने जब कहा इन्फेंसी किया कि रिस्पेक्ट उसको अपने पेरेंट्स से मिला है,
तो अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट को उसने इम्बाइब कर लिया है, अपने अंदर आत्मसात कर लिया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब बात करेंगे फिर से हम विभू की बात, विभ की। एक वर्ड आया था विभू और ये दूसरा आ रहा है विभू। अपर पार्ट ऑफ एन एप्रॉन, एप्रॉन हम जानते हैं खाना बनाते समय यहां से एक बांध लेते हैं यू, ताकि खाने की छींटे हमारे ऊपर ना पड़े, उसे हम एप्रॉन कहते हैं। डॉक्टर लोग भी बांध लेते हैं कि मान लीजिए मरीज का इलाज कर रहे हैं तो मरीज से कुछ भी गीला है वहां पर तो वो हमारे शरीर में ना लगे। और एन एप्रॉन लाइक नेपकिन या एप्रॉन के जैसी एक नेपकिन टाइड अराउंड अ चाइल्ड्स नेक, बच्चों के भी बांध दी जाती है गले में ताकि वो दूध दूध पिए या गंदगी ना मचाए। इन आइदर केस द बिब प्रिवेंट्स व्हाट इज ड्रंक। तो बिब जो होता है बिबो से अलग वर्ड है, बिब का मतलब है एप्रॉन और एप्रॉन का मतलब है कोई चीज आपके शरीर पर आने से रोकने वाला यंत्र, यही एप्रॉन हो गया। तो बिब को हम, बिब का मतलब हो जाएगा प्रिवेंट, रोके जो आपके शरीर पर लगने से। व्हाट इज ड्रंक, जो भी खाया या पिया जाए, और ईटन या पिया खाया खाया जाए। फॉर स्पिलिंग ओवर और ड्रिबलिंग डाउन, वो बिखरने से, स्पिल ओवर माने बिखरना, बिखर जाना, छलक जाना, और या ड्रिबलिंग डाउन या छलक जाना या बिखर जाना, दोनों इसका मतलब होता है। ऑन द वेयरर्स क्लॉथिंग, हमारे जो पहनना है कपड़े उसके ऊपर ड्रिबलिंग ना हो और स्पिलिंग ना हो, ये ध्यान रखना ही वहां पर जरूरी है। और इसीलिए ये बिब का मतलब एप्रॉन यानी रोकने वाला हो गया, जो प्रिवेंट करे, जो रोके ड्रिंक को या किसी भी चीज को लगने से। 9 नंबर का जो आइडिया है लाइक डेथ इटसेल्फ, वो बिल्कुल मौत जैसा है। द लैटिन रूट कैडो मींस टू फॉल, कैडो का मतलब है गिरना, नीचे आना। वंस फाइनल फॉल, अब फाइनल फॉल का मतलब हो गया मौत, इज ऑफ कोर्स ऑलवेज इन डेथ, और वो निश्चित रूप से मृत्यु के अलावा कुछ नहीं। फाइनल पूरी तरह से गिर गया, तो पूरी तरह से गिर का मतलब ऊपर निकल गया। एंड सो समवन हु लुक्स लाइक अ कॉर्प्स, जो बिल्कुल मौत जैसा लगे, लाश जैसा लगे, इतना बीमार हो जाए, शरीर पीला पड़ जाए, चुपचाप लेटा है ऐसे अंतरिक्ष में देख रहा है, मरे जैसा लग रहा है, तो उसे हम फिगरेटिवली स्पीकिंग, फिगरेटिवली स्पीकिंग लिटरली नहीं है ना, कॉर्प्स नहीं है वो, फिर भी हम उसको लाश कह रहे हैं, तो ये फिगरेटिवली हो गया। विच इज पेल, जो कि इतना पेल है, कांत है, थिन है, गार्ड है, आई डीप संक है, आंखें धसी हुई है, दुबला पतला शरीर है, पसीने से तर बतर है, कांत बिल्कुल एकदम सुखड़ कर, सूख कर कांटा हो गया है, लिम्स उसके वेस्टेड हो गए हैं। एंड अदर वर्ड्स द एक्सट्रीम अपोजिशन ऑफ द पिक्चर ऑफ ग्रोइंग हेल्थ इज कॉल्ड कैडेवरस, तो जो ग्रोइंग हेल्थ की पिक्चर है उसका एक्सट्रीम अपोजिट हो, क्या हो गया, कैडेवरस हो गया, कन्वलसेंट का कैडेवरस अपोजिट, जैसे कन्वलसेंट अलग वर्ड हो गया और ये है कैडेवरस। कैडेवरस का मतलब लाश जैसा, मृत्यु सदस्य, मृत्यु जैसा, कैडो का मतलब गिरा हुआ, एकदम गिरकर मौत जैसा, फाइनली फॉल हो गया जो पर्सन, वो कैडोवरस हो गया। तो कैडोवरस का मतलब है लाइक डेथ इटसेल्फ, जैसे कि मर ही गया हो। रिलेटेड वर्ड इससे देखेंगे तो कैडेवर वर्ड आया है, अ कॉर्प्स इसका मतलब है, लिटरली स्पेशली वन यूज्ड फॉर सर्जिकल डिस्कशन डिसेक्शन, सर्जिकल चीर फाड़, डिसेक्शन मतलब चीर फाड़। तो अ कॉर्प्स, कैडेवर का मतलब है लाश, लिटरली वास्तव में लाश की बात, लाश ही है या फिगरेटिवली कुछ भी नहीं कह रहे ना, आइडियोमेटिकली कह रहा, स्पेशली वन यूज फॉर सर्जिकल डिस्कशन, बच्चे जो डिसेक्शन करने के लिए, चीर फाड़ करने के लिए लाश लाते हैं उसको हम कैडेवर कहते हैं। अब डिकेडेंट इटिमोलॉजिकली का मतलब शब्द विन्यास की दृष्टि से, फॉलिंग डाउन होता है डिकेडेंट, डिकेडेंट है ना, डिसेंट, तो इज प्रीफिक्स वन मीनिंग ऑफ विच इज डाउन, डी का मतलब नीचे आना, डिसेंट करना। आज इन डिसेंट, जैसे डिसेंट में, डिसेंट और डिसेंट में, क्लाइंब डाउन जिसका मतलब होता है डेक्लाइन, ये भी नीचे आया, टर्न डाउन, डेक्लाइन मतलब टर्न डाउन, नीचे आना। तो कैडेवर और फिर डेकेडेंट, ये दोनों वर्ड अलग अलग है, इसका मतलब है गिरा हुआ, इतना गिरा हुआ कि आखिरी हो जाए बिल्कुल, और डिकेंडेंट का मतलब है नीचे को गिरना। तो डिकेंडेंट और डिकेवर, ये दोनों वर्ड्स आप याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। इफ समथिंग इज
डिपेंडेंट स्टेट, अगर कोई चीज डिपेंडेंट स्टेज में है इसका मतलब इट इज डिटेरियोरेटिंग, डिटेरियोरेटिंग माने लगातार खराब होने की तरफ जा रही है, डिटेरियोरेट हो रही, स्पॉइल हो रही है, बिकमिंग करप्ट और डिमोरलाइजिंग, है ना, डिमोरलाइज्ड, या तो वो करप्ट हो चुकी है, डिमोरलाइज्ड हो चुकी है। डिपेंडेंस इज द स्टेट ऑफ डिके, पतन की स्थिति है डिकेडेंट, ठीक है ना, डिकेडेंस ये नाउन हो गया। जनरली डेकेडेंट एंड डेकेडेंस आर यूज्ड फिगरेटिवली, दे रिफर नॉट टू एक्चुअल फिजिकल डिके, यहां शारीरिक डिके की बात नहीं होती, जब अंग्रेजी भाषा में इनका हम यूज करते हैं डेकेडेंस और डेकेडेंट का, तो इसका मतलब होता है चारित्रिक पतन या किसी और दूसरे एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज का पतन भी इसका मतलब होता है, किसी शरीर का ही पतन हो तब हम डेकेडेंस और डेकेडेंट का यूज करें, दैट इज नॉट एक्चुअली, ठीक है ना, ये फिगरेटिवली यूज किए जाते हैं, इसका मतलब ये है। बट मॉरल और स्पिरिचुअल डिके को भी हम इसमें शामिल करेंगे, शारीरिक डिके की बात जरूरी नहीं है कि करें। अब रिलेटेड वर्ड्स, डोलर डोलफुल, अ पोएटिक सिनोनिम ऑफ ग्रीफ, डोलर जब यूज करते हैं तो हम ये पोएटिक काव्यात्मक रूप है ग्रीफ दुख का, जब हम कविता में दुख प्रकट करते हैं तो डोलफुल कहते हैं, है ना, तो डोलफुल क्या है, रेफरिंग समवॉट ह्यूमरसली टू एग्जैगरेटेड और दिस मैलनेस सैडनेस और ड्रियरीनेस, ड्रियरी भयावह, ड्रियरीनेस सैडनेस और ह्यूमरसली टू एग्जैगरेटेड डिसमैलनेस, डिसमेल का मतलब उदास निराश, तो डिसमेलनेस सैडनेस और ड्रियरीनेस, इन सभी का मतलब डोलफुल ही हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हो रही बात, बढ़िया। अब कौन लगाकर डोल के साथ करेंगे, और कौन और कौन और कौन हम जानते हैं, इनका मतलब है साथ, टुगेदर, इटिमोलॉजिकली टू सफर टू ग्रीव विद, साथ में दुख सफर करना, विद कौन का मतलब है विद यानी टुगेदर, और कंडोल इज समवाट लेस कॉमनली यूज्ड सिनोनिम ऑफ कमेंसरेट, कमेंसरेट का कम यूज किया जाने वाला सिनोनिम भी है ये, अ वर्ड वी डिस्कस्ड इन चैप्टर 15, और कमेंसरेट वह वर्ड है जो चैप्टर 15 में यूज किया गया था, और इसका भी मतलब है दुख प्रकट करना, दुख दिखाना, शो करना। द नाउन कंडोलेंस, अब आ गया कंडोलेंस, कंडोल से ही बना है, कंडोलेंस इज मच मोर फ्रीक्वेंटली हर्ड देन द वर्ब, वर्ब से ज्यादा कंडोलेंस यानी नाउन सुना जाता है, अक्सर स्कूलों में कंडोलेंस हो जाता है किसी की मृत्यु पर, एज इन लेट मी ऑफर यू माय कंडोलेंसेस, मैं आपके आपके लिए कंडोलेंसेस व्यक्त करता हूं, आपके मित्र का या आपके पिता का, आपके भाई का किसी घर में देहांत हो गया तो मैं कंडोलेंसेस व्यक्त करता हूं, यूजुअली सेड टू समवन मॉर्निंग द डेथ ऑफ द फ्रेंड और रिलेटिव, कोई व्यक्ति अपने रिलेटिव को लेकर के मौत को लेकर के रो रहा है तो हम उसके लिए कंडोलेंसेस एक्सप्रेस करते हैं, यू हैव हर्ड ऑफ कंडोलेंसेस कार्ड, कंडोलेंसेस कार्ड भी आते हैं कि कार्ड दिया है किसी की मृत्यु पर, एंड नो डाउट वी हैव सेंट यू शेयर ऑफ देम, और अक्सर आपने शेयर भी किया होगा, व्हेन यू कंडोल विद समबडी हु हैज सस्टेन्ड अ लॉस, जिसको एक नुकसान हुआ है, नुकसान सहा है, उसको जब आप कंडोल करते हैं, यूजुअली बाय डेथ मृत्यु पर, यू आर सेइंग इन इफेक्ट, तो आप प्रभावी रूप से कहते हैं, आई एम सफरिंग और ग्रीविंग विद यू, मैं भी आपके साथ सफर और ग्रीव कर रहा हूं, क्योंकि कन माने साथ साथ, डोल माने दुख, साथ साथ में दुख व्यक्त हो रहा है, तो जब कंडोल करेंगे तो उसके दुख को, उसके ग्रीफ को, उसके 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 दर्द को बांट लेंगे हम कंडोल करते समय। बहुत तेज तो नहीं पढ़ा रहे हैं बिटिया भैया, ठीक है सर, लाल सब ठीक चल रहा है, बहुत तेज तो नहीं चल रहा है, नहीं सब ठीक है चल रहा है। अब जरा देखें, ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनका मतलब क्या है, ये हो गया ग्रीविंग विद यू, अब जरा ये देखो वर्ड्स आ गया, अब थोड़ा सा इनको पढ़ो, इतनी देर से हम पढ़े हैं, अब तुम पढ़ो जरा इनको, सीकर से, चलो इनको पढ़ते जाइए।
सीकर। हाँ अब ये है क्या, अब इन सभी का आपको मतलब बताना है। चलो देखो मतलब निकालो पहले। सीको, सीको मतलब जो एक के बाद दूसरा आए, यानी फॉलो करना, पीछे करना, पीछा जाना। ये अब हम रिवाइज करेंगे सारे के सारे वर्ड्स जो अभी तक हमने आइडियाज के साथ पढ़े हैं, उनको अब यहां पर ध्यान से देखेंगे और मैं भी थोड़ा आराम से हो जाऊं, है ना। बहुत तेज तो नहीं है कि सब उड़ा जा रहा हो ऊपर से, हालांकि ऐसा होना वाला नहीं है, सब ठीक है। ऑल राइट है, ऑल राइट है, ठीक है। अब देखो क्वेरल, अब झगड़े वाली बात आई, क्वेरल बना जिससे, तो कंप्लेन जब अंडर होगी आइडिया में, तो आइडिया कंप्लेन का है तभी क्वेरल बना। और ये है सिलियम, तो सिलियम आईलिड ऊपर से ही जो दिख जाए, कंटेम्प्ट करे, जो आलोचना करे। सुपर का मतलब अबव, ऊपर, ये सारी चीजें अभी पढ़े हो ऊपर रूट वर्ड। स्ट्रेपो अभी रूट वर्ड पढ़े थे, अब दोहराना है ना, जितना आइडिया पढ़ा वो सब भूल गए, अब उसको फिर से दोहराएंगे, तो जितना पढ़ा वो फिर दोहरा जाएगा। स्ट्रेपो का मतलब होता है शोर मचाना, ये भी लैटिन रूट है। पी एस या पेकस है, ये है पेकस बेटा, पेकस, सी यू एस, ये पेकस है। ये पेकस है, ठीक है। तो पेकस का मतलब क्या हो गया, कैटल हो गया, जिसके पास बहुत सारे जानवर है वो पेकस हो गया। अब ए आर वाई लगता है तो ये एडजेक्टिव बन जाता है, सफिक्स है जो पीछे लगता है ना। और एम लगता है तो ये नेगेटिव प्रीफिक्स है, किसी भी चीज को नेगेटिव बना देता है, ये नेगेटिव प्रीफिक्स है इन और एम दोनों। स्टेबल का मतलब हॉर्स होता है, अभी पढ़ाया था आपको, तो जितना पढ़ाया वो सब दोहरा रहे हैं। और जब हम कल या अपस लगाए कैवल, तो इसका मतलब होता है इनफीरियर हॉर्स, घटिया घोड़ा, कैवल आया था ऊपर, है ना। और ओयूएस लगाएंगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, इसको भी मैंने बताया था अभी। आईसी लगाएंगे तो भी एडजेक्टिव सफिक्स बन जाएगा। एल लगाएंगे, अभी ऊपर आया था, वो भी एडजेक्टिव का सफिक्स बन जाएगा। इक्वस का मतलब होता है हॉर्स, घोड़ा, है ना, ये भी पहले पढ़ा था और ये दोबारा इसमें पढ़ा है। आई एन ई जब लगा होगा तो इसका मतलब के जैसा, लाइक, सिमिलर टू, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, हैविंग द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ समथिंग इज आई एन ई, जब प्रीफिक्स लगाया जाएगा तो, ठीक है। ऑल राइट है, ऑल राइट है। आप देखो अब जरा प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इनको हम प्रोनाउंस करते हैं, कैसे करेंगे। ऑप्टिकुअस, ऑप्टिकुअस, सुपरसिलियस, पढ़ना है केवल और कुछ भी नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है, केवल पढ़ना है, क्योंकि ये शब्द छापने हैं दिमाग में। जितनी बार जिससे मिलोगे उतनी ज्यादा मोहब्बत बढ़ती जाएगी, तो इन शब्दों को जितनी बार पढ़ोगे उतनी ज्यादा दिमाग में आते जाएंगे। ऑप्टिकुअस, फिर कहेगा सुपरसिलियस, क्वेरलस, फिर कहेगा ऑप्टिपेरस, ऑप्टिपेरस, फिर कहेगा इम्पेकुनियस, इम्पेकुनियस, फिर कहेगा शिवलरस, शिवलरस, फिर कहेगा इनोकुअस, ये इनोकुअस है, और ये बिबुलस है, ये बिबुलस है, और ये क्या है, ये कैडेवरस है, ये कैडेवरस है, ये डोलोरस है, क्या है, डोलोरस है। ये केवल पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना, दिमाग में लाना है खाली, बस और कुछ नहीं करना। अब वर्क करना है, पहले आइडिया पढ़ा, फिर सब सारे रिवाइज किए, और अब आपकी बारी है, चलो शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, मैं कुछ मदद नहीं करूंगा, मैं यहीं पर रोक दिया इसको। अब जरा बताओ ऑप्टिकुअस कौन सा सही होगा, ऑप्टिकुअस का, ऑप्टिकुअस का कौन सा सही होगा, इनमें सारे सामने लिखे हैं आपके, ऑप्टिकुअस में कौन सा सही होगा, यानी पहले में कौन सा सही होगा, फर्स्ट में कौन सा सही होगा, ऑप्टिकुअस में, क्या स्नोबिस है, या हार्मलेस है, या गांठ है, या सॉर्ट ऑफ फंड है, सॉर्ट ऑफ फंड है, या फॉनिंग एक्सेसिवली है, इरिटेटिंगली और पोलाइट, है ना, ये एक ही में नहीं होना चाहिए, पोलाइट या अलग होना चाहिए, ठीक है, एक्सेसिवली, हाँ, इतना ज्यादा इरिटेटिंगली, है ना, नहीं, इरिटेटिंगली नहीं है, एक्सेसिवली इनग्रेशिएटिंगली, इनग्रेशिएटिंगली, इनग्रेशिएटिंग, इनग्रेशिएटिंग, तो इनग्रेशिएटिंगली, टिंगली, एडवर्ब बना है ये, पोलाइट, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकुअस कौन सा होगा बेटा, पहले का, फर्स्ट का बोलो कौन सा होगा, फर्स्ट में कौन सा होगा बेटा, फर्स्ट में कौन सा होगा,
फर्स्ट में आप बोलना पड़ा, हम कुछ नहीं पढ़ाएंगे, फर्स्ट में ई। हाँ बिल्कुल कविता, बहुत बढ़िया बेटा। फार्मिंग एक्सेसिवली, चापलूसी करे बहुत ज्यादा, ऑब्सिक्यूअस पर्सन हो गया ये हो गया। चलो क्वायरलस है कोई चीज, तो जब क्वायरलस हो गई बेटा तो दूसरे में क्या आएगा, देखो दूसरे में, दूसरे में जो मैनेजेबल ना हो, है ना, ये कंप्लेनिंग, ये कंप्लेनिंग होगा तो ये दूसरा वाला इसमें आ जाएगा। देखो मैं सही मिला रहा हूं कि नहीं, देखो मैं सही मिला रहा हूं कि नहीं, दूसरे का आई हो जाएगा। अच्छा सुपरसिलियस क्या होगा, नहीं दूसरे में आई होगा, दूसरे में बेटा देखो क्वायरलस है तभी तो कंप्लेनिंग है, तभी तो क्वायरलस है, और सुपरसिलियस है, सुपरसिलियस है तो दूसरा दूसरा वर्ड ढूंढो उसका, तीसरे का बेटा सुपरसिलियस। वो देखो स्नोबिश मैंने ब्रैकेट में लिखा था, याद करो स्नोबिश के ही ब्रैकेट में मैंने सुपरसिलियस लिखा था, जब आइडिया पढ़ाया था तो स्नोबिश जहां स्नोबरी लिखा था वहीं पे तो मैंने लिखा था सुपरसिलियस, है ना। और ऑब्स्टेपरस, ऑब्स्टेपरस ये है चौथा वाला शब्द, तो चौथे वाले में क्या होगा, ऑब्स्टेपरस जो मैनेज ना हो पाए वो ऑब्स्टेपरस होता है, जो अनमैनेजेबल हो, जिसको मैनेज करना बड़ा कठिन हो वो क्या होता है, वो अनमैनेजेबल होता है। समझ गया कि नहीं, जे वाला होगा इसके साथ, चौथे के साथ जे वाला होगा। और पांचवे के साथ क्या होगा, पांचवा है इम्पेकुनियस, इम्पेकुनियस जो पेकुनियस हो, पेकुनियस धन हो गया, पेकस से बना, और इम लगा तो उल्टा हो गया, पैसा ना हो जिसके पास, देखो कौन सा है, sort of funds, sort of funds, ये बन गया, बना क्या, sort of funds हो कि नहीं बेटा, ये sort of funds हो गया। अच्छा chivalrous, अगर वो chivalrous है तो कैसा है, वो chivalrous है तो वो chivalrous है तो बहुत ज्यादा courteous to woman है, ये वाला होना चाहिए, किस chivalrous हो गया। अब देखो ये कभी भूलेंगे तुमको, कभी नहीं एक दो बार क्लास ही देख लेना, जिंदगी भर कभी भूलेंगे नहीं है तुमको। फिर कहता है इनोकुअस, अब ये तो नुकसान ही नहीं पहुंचाएगा तुमको बिल्कुल, क्योंकि वो तो इनोकुअस है, और इनोकुअस है तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, तो नुकसान जो न पहुंचाए वो हार्मलेस होता है, वो इनोकुअस हो गया। और जो बिबुलस हो, एकदम पिए पड़े बिबुलस हो गए हैं, तो बिबुलस हो गए हैं तो एडिक्टेड टू ड्रिंक हो गए हैं, जब देखो पिए पड़े तो, जब देखो पिए पड़े तो बिबुलस हो गए। फिर कहता है कैडेवरस हो गया वो, तो कैडेवरस क्या है, नाइन नंबर, कैडेवरस हो गया नाइन नंबर, क्या होगा, ये कैडेवरस गांट हो गया, गांट हो गया कैडेवरस। और डोलोरस है, बड़ा उदास है वो, तो बहुत उदास है तो क्या हो गया, ये एफ जो बचा है सोरोफुल हो गया। ताली बच्चों बजाओ ताली, हो गया काम, क्लियर है बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत, अपना अपना मैच करो फटाफट, मेरे ख्याल से तो किताब लेके बैठनी चाहिए आपको, लेके बैठो बढ़िया आराम से पढ़ो, हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, और बढ़िया दो बार क्लास देखो, जिंदगी भर के लिए मीनिंग तुम्हारे गुलाम है। और क्या, इतना जादूगर, जादूगरी भरी किताब है ये, 700 पन्ने की किताब है, मैंने पूरी पढ़ाई है डिटेल में, ये नहीं कि 3 घंटे में पूरी कंप्लीट हो, कोई माइकलाल 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे में इसको कंप्लीट कर देगा तो फिर उड़ा उड़ा के पढ़ाएगा तो कंप्लीट हो जाएगी, ऐसे थोड़ी आएगी। आप आ जाओ, आप फिर से लो एक और लिस्ट आ गई आपके सामने, अब वर्क करो इसके साथ। ऑब्सिक्यूअस, 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 ऑब्सिक्यूअस का मतलब क्या होगा, पहले का ऑब्सिक्यूअस फिर से वही है, फिर से एक्सरसाइज है बेटा, करके दिखाओ, करके दिखाओ, फटाफट फटाफट जोड़ो, फटाफट जोड़ो, कापी कलम लेके बैठो ना, लाए कुछ नहीं कर पाओगे, कपिल शर्मा शो नहीं देख रहे हो, ताली बजाने के लिए हाथ खाली, कॉपी और कलम लेके बैठो, नहीं तो ये शब्द तुम्हारे घोड़ा बना देंगे तुम्हारे दिमाग को, कुछ नहीं कर पाओगे, देख रहे हो शब्द, एक तरफ पढ़ोगे एक तरफ उड़ जाएंगे, पूरा सेशन पढ़ाऊंगा मैं, एक सेशन एक बार में, हिम्मत हो तो इसको तैयार करके दिखाओ, अगर हिम्मत है तो तैयार करके दिखाओ इसको।
अब करो इसको, शीतल सब लोग करो इसको, इसको करके दिखाओ कौन सा होगा, पहले में क्या होगा, पहले में क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, तीसरे में क्या होगा, फटाफट लगाओ सब, दिख तो रहा है, विजिबल है बेटा सब, हम किनारे आए देखो इधर खड़े, देख ले मोबाइल में दिखता है कि नहीं दिखता है, वहां लैपटॉप में तो बढ़िया दिखता है, भोलेनाथ दिख रहा है, साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है बिल्कुल, हम बिना चश्मा के देख रहे हैं तो क्या, पहले में डी, पहले में क्या लगाया बेटा, पहले में डी होगा, हाँ बिल्कुल, पहले में डी यानी डी में पहला हो गया, डी में पहला हो गया, ठीक है, डी में पहला हो गया, और दूसरे में, दूसरे में ए होगा, बिल्कुल दूसरे में ए, ए जो है दूसरे में हो गया, बहुत बढ़िया, तीसरे में सुपरसिलियस में क्या होगा, तीसरे में बेटा सुपरसिलियस में तीसरे में जी हो जाएगा, हम्बल बहुत ही कर्टियस, ये तीसरे में हो गया, ठीक है ना, चौथे में, चौथे में बोलो ऑप्टिपेरस, फोर नंबर, तो ये फोर नंबर में ये क्वाइट, बहुत ही शांत एकदम क्वाइट जी हो गया, है ना, ऑप्टिपेरस मतलब वेल बहुत ही क्वाइट, फोर नंबर है ना जी हो गया, और फाइव नंबर में क्या होगा, फाइव नंबर, फाइव नंबर बेटा, फाइव नंबर, फाइव नंबर में कहता इम्पेकुनियस, तो इम्पेकुनियस है तो यहां पर एडजेक्टिव सब बदले हुए हैं, इम्पेकुनियस है तो ये बहुत ही ज्यादा, हाँ इम्पेकुनियस का जो पैसे से बिल्कुल एकदम पैसा ही ना हो जिसके पास, अपोजिट तो नहीं पकड़ने हैं इसके, पांच का ऑब्स्टिपरस इम्पेकुनियस, और छठे का, सिक्स का मेसोगाइनिस्ट सिविलरस, ये तो सही है यार, सिविलरस मेसोगाइनिस्ट, मेसोगाइनस है ना, मेसो माने हेट करने वाला, नहीं ये तो उल्टा, ये सब अपोजिट बताने हैं इसमें से, इसमें सारे अपोजिट हैं, सब अपोजिट मिल रहे हैं, वर्ड नहीं मिल रहे हैं उधर, देख रहे हो इनोकुअस है जैसे सेवन, तो सेवन में कौन सा लगाओगे इनोको, ये सारे के सारे अपोजिट छांटने हैं आपको, सारे के सारे अपोजिट छांटने हैं, सब में अपोजिट है, हमने एक्सरसाइज ध्यान ही नहीं दिया ऊपर, सब अपोजिट, उमा पॉजिटिव मिल ही नहीं रहा कोई, एक दादा तुक्का लग जाए तो लग जाए, हाँ अपोजिट ही है, अपोजिट ही है, ऊपर लिखा तो है नहीं अपोजिट, ऊपर था अपोजिट क्या, नहीं अपोजिट नहीं दिखा था, लेकिन है ये अपोजिट बेटा, क्योंकि वर्ड ही नहीं मिल रहे वहां पर, अपोजिट ही है बेटा, अपोजिट ही है, अपोजिट ही है, आर सही है, अब ऑब्सिक्यूअस हो गया पहला, तो पहले का ऑब्सिक्यूअस हुआ, ऑब्सिक्यूअस का क्या हो गया, डी हो गया, डी होगा रूड, ये बहुत ही कर्टियस हो गया और ये रूड हो गया, तो ये पहला हो गया, ठीक है ना, दूसरे में क्या होगा, दूसरे में ए हो जाएगा, दूसरे में ए हो जाएगा, ये वाला ये दूसरे में हो गया, तीसरे में क्या होगा, तीसरे में, तीसरे में जी होगा हम्बल, यानी ये तीसरा सुपरसिलियस है तो सुपरसिलियस का हम्बल हो जाएगा, हम्बल सुपरसिलियस घनित हो गया बहुत ही रूट व्यवहार वाला और हम्बल हो गया, और ये ऑब्स्टिपेरस, ऑब्स्टिपेरस हो गया, तो ऑब्स्टिपेरस का क्या होगा चौथे नंबर का, चौथे नंबर का ये हो जाएगा क्वाइट, बहुत ही शांत, ये इसका ऑब्स्टिपरस का हो गया, इम्पेक्यूस तो इसका क्या हो गया, ये अफ्लुएंट हो गया, हेल्दी हो गया, इसका मतलब है अफ्लुएंट का मतलब धनी हो गया, इम्पेक्यूस का मतलब गरीब हो गया, बिल्कुल एकदम किसी काम का नहीं, और ये कैवल सिविलरस, सिविलरस है छह नंबर, छह नंबर का क्या हो जाएगा, इसका मेसोगाइनस, गाइनस हो गया, मेसोगाइनस, मेसो का मतलब हेट होता है, मेसो सब इसी में पढ़ाया हमने, और गाइन का मतलब स्त्री हो गया,
और 4 US लगाया तो एडजेक्टिव हो गया। ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों से घृणा करता हो, लेकिन शिवलरस जो पर्सन हो तो महिलाओं का बड़ा सम्मान करता है, तो महिलाओं का सम्मान करने वाला और मिसोगिनस, ये एच मिल जाएगा, छठे में एच हो जाएगा। सेवन में क्या बताया आपने, सेवन में क्या होगा, सेवन में इनोकुअस का मतलब बहुत ही ज्यादा नुकसान देने वाला, अबोध जो नुकसान ना पहुंचाए, और डेंजरस मतलब जो नुकसान पहुंचाए, खतरे वाला हो, तो ये आमने सामने होगा, सेवन में एफ हो गया। और एट में क्या होगा, एट में बचा सोबर, एट में तो बिबुलस दारूबाज हो गया और सोबर बहुत ही सभ्य हो गया, जो सभ्य पर्सन है वो दारूबाज नहीं होता है। और नाइन नंबर में क्या होगा, नाइन में बचा क्या ऊपर, सी कैडेवरस, नुकसान पहुंचाया जो स्वास्थ्य को, और ये हेल्दी हो गया, तो ये सी वाला हो गया। और डोलरस बचा एक हमारा कौन, हैप्पी और चीयरफुल, ये हो जाएगा इसका अपोजिट, खुश दुखी का अपोजिट हो जाएगा। हाँ हमने नहीं लिखा है, हमने नहीं लिखा था ना वो, तो हम तो जोखिम जा रहे थे इसमें और फंसने लगे, जब तुरंत फंस गए शब्द, शब्द फंसने लगे, जैसे फंसे शब्द तुरंत अकल ठिकाने आ गई। हमने नहीं लिखा है इसको, हमको लिखना चाहिए था, पीपीटी बनाने में बेटा बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तब भी चीजें छूट जाती, क्या किया जाए, ठीक है ना बाबू, लेकिन जब सामने आता है तो पकड़ जाता है तुरंत, पकड़ गया। आप जरा यस नो और यस और नो की बात करेंगे, क्या करेंगे यस और नो में, डू ऑब्सीक्यूअस पीपल यूजुअली कमांड और रिस्पेक्ट, क्या जो ऑब्सीक्यूअस पर्सन होते हैं, ऑब्सीक्यूअस पर्सन होते हैं वो हमारी रिस्पेक्ट को कमांड करते हैं, क्या हम उनका सम्मान करते हैं, यानी सम्मान के वो हकदार होते हैं, पहले का, क्या सम्मान के ऑब्सीक्यूअस पर्सन जो है सम्मान का हकदार कहां होता है, वो तो नहीं होगा, तो ये तो नो हो गया, नहीं होता बिल्कुल, ऑब्सीक्यूअस पर्सन नहीं होता, ना ऑब्सीक्यूअस होता है, ये नहीं होता, ठीक है ना। अच्छा फिर कहता आर क्वारलस पीपल सेटिस्फाइड, क्या जो क्वारलस पर्सन होते हैं बहुत ही झगड़ालू, क्या वो संतोषजनक होते हैं, क्या वो सेटिस्फाइड होते हैं, नो, तभी तो वो क्वारलस होते हैं क्योंकि वो संतोषजनक नहीं होते, है ना। इसका मतलब है आर सुपरसिलियस पीपल यूजुअली पॉपुलर, क्या जो सुपरसिलियस पर्सन होते हैं वो बहुत ही पॉपुलर होते हैं। चौथे का, तीसरे का, नो, तीसरे में भी नो होगा, बिल्कुल वो पॉपुलर नहीं होते, उनके पास को बैठना नहीं चाहता, सुपरसिलियस कंप्लेनिंग पीपल होते हैं और इसीलिए वो क्वारलस पर्सन होते, तो क्वारलस और सुपरसिलियस एक ही हो गया, ये क्या हो गया, ये भी नो हो जाएगा। इज अ पर्सन ऑफ अफ्लुएंस इम्पेकुनियस, क्या जो बहुत ही धनी पर्सन होता है वो इम्पेकुनियस होता है, नहीं होता। इज अ पर्सन ऑफ अफ्लुएंस इम्पेकुनियस, क्या अफ्लुएंट पर्सन जो होता है वो इम्पेकुनियस होता है, नहीं होता है, ये अपोजिट होता है, ये भी नो हो गया, हो गया कि नहीं हो गया बेटा, ये भी नो हो गया, यस आई नहीं अभी आया। डू सम वुमेन लाइक सिविलरस मैन, बिल्कुल ये सही है, यस सिविलरस मैन महिलाओं का बहुत सम्मान करता है, उनके लिए बहुत ही कर्टियस होता है और इसलिए महिला उसको पसंद करती है, तो ये पांचवा नंबर बिल्कुल यस है, और बाकी के सभी नो है, पांच को छोड़ करके पांचवे में यस आया है, क्लियर हो गया। अब आ जाओ छठे नंबर में, आर इनोकुअस पीपल डेंजरस, क्या जो इनोकुअस पर्सन होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, ना वो तो हार्मलेस होते हैं, वो तो उनको तो वो नुकसान ही नहीं पहुंचाते बिल्कुल, तो ये नो हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, ये नो हो जाएगा। फिर क्या कहता है, फिर कहता है इज अ बिबुलियस करेक्टर टीटो टेलर पर्सन और बिबुलियस करेक्टर, ये दोनों क्या एक ही होते हैं, क्या जो बिबुलियस है वो टीटो टेलर होता है, सेवन नंबर, नो, टीटो टेलर सर आपको कभी हाथ नहीं लगाता, बिबुलियस रोज पड़ा रहता, तो सेवन में भी नो हो जाएगा। टीटो टेलर वन हु टेक्स नो लिकर, कभी कोई लिकर नहीं लेता उसे हम टीटो टेलर कहते हैं, तो सातवें में भी नो हो गया। एट नंबर में क्या कहता है, एट नंबर कहता है इज अ कैडेवरस लुकिंग इंडिविजुअल द पिक्चर ऑफ हेल्थ, कैडेवरस कहां से पिक्चर ऑफ हेल्थ को दिखाएगा, ये तो हॉटी होता है बहुत ज्यादा, तो एट का भी नो हो गया, एट ने भी नो हो गया, मैं सही बता रहा हूं, गलत तो नहीं हो रहे, आप लोग मैच कर रहे हो अपने, मैच करते चलो। इज अ डोलोरस एटीट्यूड, जिसका बहुत ही उदासी से भरा डोलोरस एटीट्यूड होता है करेक्टरिस्टिक्स, क्या वो जोवियल पीपल होते हैं, ना जोवियल तो मजाकिया होता है, ये भी गलत हो गया, ये भी नो हो गया, ये तो सारे सारे नो निकले, केवल छठा वाला निकला, यस
है ना बेटा। अच्छा एक और देखे, इज एन ऑस्टोपोरस ऑस्टोपोरस ऑस्ट्रेपोरस चाइल्ड डिफिकल्ट टू मैनेज। क्या जो ऑस्टोपोरस ऑस्ट्रेपोरस चाइल्ड होता है वो मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है? यस सियावर रामचंद्र की जय। समझ में आ गई बात? बिल्कुल क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आप आ जाओ जरा देखो ये कैन यू रिकॉल दीज वर्ड्स, क्या इन शब्दों को आप पुनः याद कर सकते हो? कौन कौन शब्द है? कहता है सोरोफुल है तो डी से सोरोफुल क्या होगा? चलो बराबर बताते जाओ, शब्द बताते जाओ, हम कुछ नहीं बताएंगे। डी से सुखी है, डोलफुल है, डोलोरस है, तो डोलोरस हो गया, होगा कि नहीं हो गया? डोलोरस हो गया, डोलोरस हो गया, आर ओ यू एस, डोलोरस हो गया। अच्छा सर्विलिटी अटेंटिव ओवर पोलाइट, बहुत ही सर्वाइल पर्सन हो, अटेंटिव हो, ओवरली पोलाइट हो, बहुत ही ज्यादा पोलाइट हो। और क्यू से उसको लिखना पड़े, क्यू से नहीं ये ओ से होना चाहिए ये, है ना? क्यू से नहीं होगा ये ओ से होना चाहिए यार, ऑब्सिक्यूअस होगा ये। सर्विलिटी हो जिसमें, सर्वाइल अटेंटिव ओवरली पोलाइट, क्वेरल सम थोड़ी हो गए, ये यू ऑप्सिक, हाँ ये ऑप्सिकुअस होगा बेटा, ये देखता हूं मैं, और ये ऑप्सिकुअस पर्सन होगा, ऑप्सिकुअस ये वो होगा, ऑब्सिक्वस ये ऑब्सिक्वस हो जाएगा। हैगार्ड गांट पेल, मरने लायक, बिल्कुल एकदम परेशान, कौन उम्मीद नहीं बची अब उसकी, तो वो कैसा हो गया? सी से बनेगा तो कैसा बनेगा? कैडेवरस बनेगा वो, कैडेवरस बनेगा वो, कैडेवरस हो गया। अच्छा कंप्लेनिंग ओवेनिंग क्वेरलसम हो गया, ये तो बहुत ज्यादा क्वेरलस हो गया, क्यू यू ई हमको बताना, एक बार क्लास और पूरी देख लेना, जिंदगी भर मीनिंग नहीं भूलोगे ये जितने पढ़ा रहे हैं हम आज आपको। फिर कहता है एडिक्टेड हो गया, फिर कहता है एरोगेंट और हॉटी पर्सन जो होते हैं, एरोगेंट भी है और हॉटी पर्सन, सुपरसिलियस पर्सन है वो, सुपरसिलियस हो गया ये छठे का, हुआ कि नहीं हुआ? छठा क्या हुआ? छठा सुपरसिलियस हुआ कि नहीं हुआ? हमको पता नहीं, याद है कि नहीं याद है? तुमको याद है कि नहीं? हमारे याद से कोई दिक्कत नहीं, हम भूल भी गए तो कोई बात नहीं। मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। सुपर सीरियस हो गया ये, सुपर सीरियस हो गया। आप देखो एरोगेंट ये छठा वाला है ना, सेवन नंबर कहता हार्मलेस हो गया, ये तो हार्मलेस है, ये तो इनोकुअस है, ये तो इनोकुअस है, इनोकुअस है। Yes. अच्छा नॉइजली अनमेजेबल, बहुत ज्यादा अनमेजेबल पर्सन है ये, तो ऑब्स्टिपरस पर्सन है भाई, ये तो ऑब्स्टिपरस हो गया, हार्मलेस है ना बेटा, नॉइजली अनमेजेबल ऑब्स्टिपरस, ऑब्स्टिपरस ऑब्स्टिकुअस ऑब्स्टिपरस है ना बेटा, बिल्कुल अलग अलग वर्ड से, बिल्कुल दिमाग ताला खोल के इनको सब याद कर लो। अटेंटिव एंड कर्टियस टू वुमेन, ये तो शिवलरस हो गया, ये शिवलरस हो गया, शिवलरस हो गया। और ये वाला क्या हुआ बेटा? शॉर्ट ऑफ मनी इंपेकुनियस, इंपेकुनियस हो गया, इंपेकुनियस एन आई ओ यू एस, इंपेकुनियस हो गया ये। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे लाल, निपटा लाए पूरा सेशन हमारे बच्चे, धन्य के हैं जो
सवा नौ हो गया भाई, पूरे सेशन में टाइम लगता है। तो ये किताब है, ये बैचेस है, चाहो तो ए बिस्वानी क्लासेस डाउनलोड करो, नहीं तो 7023030918 पे कॉल या मैसेज करो, मैं मिलूंगा आपको। ये हमारे बच्चे हैं जो आपकी तरह यहाँ बैठ के पढ़ते थे, इनको पूरा पढ़ाया था सारे सेशंस मैंने, और आपको भी सारे सेशंस में पढ़ाऊंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाऊंगा, बाकी आपकी मेहनत पे सब कुछ। और ये 9 से ही क्लास होगी, कोई आवे लाइव में चाहे ना आवे, जिसको जैसे देखना हो देखे, हम 9 बजे ही क्लास लेंगे। बड़ा आनंद है, बड़ा सारा काम धाम निपटा के बढ़िया बैठा करो, कॉपी किताब लेके आना कल से, ठीक है ना। और कल एक सेशन और इसका अगला भाग बहुत शानदार, इससे रिलेटेड सारे शब्द होंगे, आप जानते हो, यानी ये पूरी तरह से तैयार होगा, ठीक है ना। और 6 बजे ग्रामर और 9 बजे ये, ठीक है ना। शेड्यूल पूरा मैंने बता दिया, 2 दिन नॉर्मल लेवल चलेगी, 2 दिन एमसीक्यूज होंगे लिटरेचर के, और 2 दिन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय विलियम जे लॉन्ग। ये 6 दिन का शेड्यूल है, और संडे को केवल एक क्लास रहेगी 6 बजे, वो रहेगा महा एपिसोड 125 क्वेश्चन का पूरा। तो इस तरह से हम लोग बढ़िया परिपक्वता के साथ तैयारी करेंगे, बस आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और 6-7 बच्चे टपक गए बिहार में, और तुम लोग बस टपकने की बहुत जल्दी तैयारी कर लो आप, ठीक है। तैयारी करोगे तभी होगा। आइए, टाइम बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जिसको आना होगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, जिसको देखना देखे, ठीक है ना। हम तो अपने लिए पढ़ाते हैं। थैंक यू।